यमुनानगर में कोरोना की स्थिति अन्य जिलों से काफी बेहतर है, लेकिन अब जिले में कोरोना के केस भी बढ़ने लगे हैं और आज जिले में 4 नए मामले सामने आए हैं। सभी एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित करके उन्हें सील कर दिया गया है। अब तक की सूचना के अनुसार 44 कोरोना के एक्टिव मरीज पाए गए हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर विजय दहिया ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि कोरोना अब धीरे धीरे जिले में पैर पसारने लगा है। सिविल सर्जन ने ये भी बताया कि कोरोना के 4 नए मामले सामने आए हैं और अब तक कुल 13,266 सैंपल लिए गए हैं, जिनमें से 12,486 सैंपल्स की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं 605 लोगों की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। देखिए, अभी तक हम कुल 13,166 सैंपल लेकर हमने भेजे हैं, जिनमें हमारे 12,486 रिपोर्ट जो नेगेटिव आई हैं और टोटल 196 हमारे केसेस जो पॉजिटिव आए हैं। इसमें 157 केसेस हमारे हैं और 39 जो केसेस है वो आउट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हैं। कुछ वो सैंपल भी, वो पेशेंट भी शामिल हैं जिन्होंने, जिनके सैंपल बाहर आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट या आउट ऑफ स्टेट भी हुए हैं। और जहाँ तक एक्टिव केसेस की सवाल है तो हमारे आज 4 केसेस पॉजिटिव आए हैं और 5 हमारे केसेस जो यमुनानगर के कोविड केयर सेंटर में दाखिल थे उनका 10 तारीख से जो एडमिट थे उनकी आज हमने जो रिपोर्ट भेजी थी कल, वो नेगेटिव आ गई है। तो 5 पेशेंट्स यमुनानगर से आज डिस्चार्ज हो रहे हैं। ऐसे ही 3 पेशेंट जो हमारे 2 करनाल में दाखिल थे और 1 मुलाना में दाखिल था, उनकी भी जो है रिपोर्ट अब नेगेटिव आ गई है। 3 वो पेशेंट भी डिस्चार्ज हो रहे हैं। तो टोटल हमारे पास आज की डेट में 44 पेशेंट जो है वो पॉजिटिव एक्टिव पेशेंट रह गए हैं, जिसमें से 37 जो है हमारे ज़िले में दाखिल हैं और 7 जो पेशेंट हैं हमारे ज़िले के वो बाहर अलग जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में या दूसरी जगह पे दाखिल। यमुनानगर ब्यूरो रिपोर्ट, यस टीवी। इसी प्रकार की अन्य खबरों को जानने के लिए बने रहिए यस टीवी के साथ।